राजधानी भुवनेश्वर रास्ता कड़े बिक्री होता खाद्य कटक एणिकी रास्ता कड़े ड्रेन उपरे आउ खाइबा बिक्री हेबना भुवनेश्वर महानगर निगम बा बीएमसी कर्तृपक्ष एक विज्ञप्ति जारी करी रास्ता कड़ फुटपाथ एवं ड्रेन उपरे खोलुथबा खाइबा दुकान गुड़िक उपरे कटकणा जारी करछंती। विज्ञप्ति रे दर्शाई जे रास्ता फुटपाथ और ड्रेन उपरे कौनसी खाद्य आउटलेट रही पारिबनी। ग्राहकों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था न थाई फूड आउटलेट बा खाद्य दोकानी घटनास्थल रे खाद्य देई पारिबे नाही, केवल ग्राहकों को पार्सल खाद्य जगाई पारिबे। खाद्य निरापत्तार समस्त नीति नियम को खाद्य आउटलेट बा दोकानी को मानिबा पई पड़िबो। जो फूड आउटलेट पाखरे पार्किंग पई पर्याप्त जगह रही सेठारे परिष्कार परिच्छन्नता उपरे दृष्टि देवा पई संपूर्ण दोकानी बाध्य। दोकान रे दुईटी डस्टबिन रहिबो और सेमाने निज दोकान रो 5 मीटर व्यासार्ध अंचल को परिष्कार रखिबे तथा आवर्जना संग्रह करथुबा गाड़ी सेही डस्टबिन को संग्रह करबो। खाद्य दोकान रे कार्यरत कर्मचारी माने परिष्कार पोशाक पिंधा सहित मुंडरे टोपी देहरे आर्पन मुहरे मास्क एवं हाथ में ग्लोवस लगाई खाद्य देबे। बीएमसी द्वारा घोषित नो वेंडिंग जोन अंचल में कहीं खाइबा दुकान खोली व्यवसाय करिपारिबे नै। बीएमसी पक्षर नहीं नुआ गाइडलाइन जारी करा सहित यह कड़ाकड़ी भाव पालन निमित्त निर्देश दिया जाइछि। जदि केही याकु उल्लंघन करंती तांको विरोध में जरिमाना सहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। बीएमसी रो खाद्य कटकणा एथर बीएमसी जहाँ विज्ञप्ति जारी करी एथर रोड जदि देख फुटपाथ उपरे बा ड्रेन उपरे जदि आप खाद्य बिकुछंती तेबे एवं आपण पाखरे पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं जे लोक माने आसीबे सेठरे गाड़ी रखी खाद्य खाई पारिबे तेबे आपण को एथर जरिमाना देबा पई पड़िबो एवं आपण को विरोध रे कार्यानुष्ठान मध्य बीएमसी नै पारे। एभली विज्ञप्ति जारी करी बीएमसी जे किभली भाव रे स्वच्छता उपर मध्य ध्यान दिया जाइथिबा कथा कहा जाउछि जे हाथरे ग्लोव्स मुंडेरे टोपी मध्य पिंधिबा पई निर्देश दिया जाउछि। भुवनेश्वर हम प्रतिनिधि कविता सही जोड़े सारी कविता वर्तमान पूर्व आम देखीचे अनेक समय रे बीएमसी पक्षर चढ़ाव कराई था पुणी बीएमसी भूली जाए एथर जो विज्ञप्ति प्रकाश पाई लगुच कार्यकारी हे देखु कमलाकांत जदि कह कि जो भाई भाव में आपड़ कहले कि बीएमसी बारंबार गोटे पर गोटे निर्देश दिए तापर किसी दिन कार्यकारी हुए तापर से सबको भूली जाती आउ यो गाइडलाइन गत काली आसी बीएमसी पक्षर निर्देश दि जाए कौन सी ड्रेन उपर रास्ता कड़ फुटपाथ में कौन भी उठा दोकानी दोकान दे पारे ना जदि दोकान देवे तो पर्याप्त परिमाण में पार्किंग सुविधा रहा दरकार व्यवस्था करवा दरकार। बर्तमान चित्र देखा चाहिए ये हूँ डमणा जहाँ रही शैलेश्री विहार डमणा स्थित दुकान जो उठा दुकानी माने दुकान देखते जो भाई भाव में देखुए जो मैंने दुकानी आसुच्चे से माने पार्किंग रास्त करोभली भाव में सुधीर रास्तार जो ट्राफिक समस्या जहाँ रही केमती सुधार अणा जापर ताकू नजर रखी बीएमसी गत काली गोटे निर्देश दे ड्रेन उपरे फुटपाथ में कौन भी दोकानी दोकान करें जदि दोकान दे पार्किंग व्यवस्था ना तेज पार्सल व्यवस्था करूँ स्वच्छता उपर गुरुत्व देवाई अनेक दोकानी अच्छा जहाँ सहित आलोचना कि यही निष्पत्ति कोमती देखुं कहीं से जो रास्ता कड़े जो मैंने भी दुकान देते पेटपाटना कथर आसूँ केते दूर बीएमसी कथ को मानवे केते दूर ग्रहण करेंगे से संपर्क में आलोचना करवा उठा दोकानी आपण जो बीएमसी गत काली निर्देश दे उठा दोकान आप रास्ता कड़े दोकान दे पारे ना यो निष्पत्ति को आपड़ कौली भाव देखते आम तो एमती हईराण होगा ना आम जहाँ जगह आप जगह दे आम जोड़े से पकड़ा पड़े तो आम कौन करम घर चलू से असुविधा हईराण हाँ जो पार्किंग सुविधा जहाँ नाने पार्सल व्यवस्था करने पार्सल व्यवस्था कले आप दुकान जो दे पारे पार्सल समस्त पार्सल नहीं खाई पारे जहाँ बाहर लोक चाकरी कर जब कर खाई जी समस्त पार्सल नहीं खाई पारे सी असुविधा ग्रहण करेंगे ना बीएमसी व्यवस्था करवा ग्रहण करेंगे समस्ते जब मानवे आम से तो समस्त डिपेंड करे आम तो कही आम असुविधा हम निहत भाव में जो जो उठा दोकानी अच्छा जहाँ कहवा कथा कि जदि आमको उठा जाए रास्ता कड़े दोकान देवना तेज आम पर उपस रमे दुपा यूर ही इनकम करुँ विकल्प व्यवस्था करूँ तेज जाए यार सुधार आसपार आमे यू उठीजु आम उठा दोकानी संघर उपदेषा अच्छा सहित आलोचना करवा मैडम आपण ये निष्पत्ति केमी देखुं कहीं अनेक उठा दोकानी अच्छा बीएमसी बारंबार निर्देश दिए निर्देश देलापर जो पार्किंग व्यवस्था जहाँ
ନଥିବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦୋକାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ପାର୍ସଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯାହା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗତକାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପାର୍ସଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାର୍ସଲ ଯେ ନେବାକୁ ଆସିବେ ସେ ବି ତ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆସିବ, ସେ ବି ତ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆସିବ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ରଖିବେ? ପାର୍ସଲ ନେବାକୁ ଆସିବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଇଏ ଘରଠୁ ଚାଲିକି ଆସିବେ, ସେ ବି ତ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଆମ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ରହିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତିକି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ରହିବେ, ବାଦ ବାକି ପରିବା ଦୋକାନୀ ରହିବେ, ସେମାନେ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାହାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳୁଛି, ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ସବୁ, ଏଇଆ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି, ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗେ ନେବା କଥା, ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ବିଏମ୍ସି ଯାହା କରିବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ କରିବୁ। ଉଠା ଦୋକାନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏଇଠି ତିନି ଚାରିଟା ଦୋକାନ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ, ଦୁଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ, ଦୁଇଟା ଇଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ମାନୁଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ବିଏମ୍ସି ବାରମ୍ବାର ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଇଏ କରିବେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେମାନେ ଆଗେ ସଦାବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କର। ଥଇଥାନ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥଇଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଏମ୍ସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଉଠିଯିବେ।